रिफ्यूजी समाज भारत में अपने आप को असहाय ना समझें, प्रोफेसर अकील। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के डायरेक्टर प्रोफेसर अकील अहमद जी ने आज जम्मू पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश के कोने कोने से रह रहे रिफ्यूजी समाज के लोग जो 1947 में बंटवारे के समय भारत आ गए थे, उनमें सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। अब मोदी सरकार है, उन्हें कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार रिफ्यूजी समाज के लिए अब एक ठोस रणनीति बना चुकी है। उनके शिक्षा से लेकर उनके रहन सहन या राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी में अब रिफ्यूजी समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी। प्रोफेसर अकील ने कहा कि आगामी 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मैं श्रीनगर दौरे पर रहूंगा और रिफ्यूजी समाज के लोगों का स्वागत करूंगा। अगर मैं उनके किसी काम आ सकूं, तो समाज के लोग आकर अपनी जो भी समस्या है मुझे अवगत करा सकते हैं। मैं उनकी बातें, उनकी समस्याएं केंद्र तक पहुंचाकर उनका निवारण कराऊंगा। रिफ्यूजी समाज हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ये समाज सबसे पिछड़ा और अछूता रहा है। अब आगे कोई भी इस प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली है। रिफ्यूजी समाज के लोग जो 1947 के बाद पाकिस्तान या दूसरे ममालिक को छोड़कर हिंदुस्तान में आए थे, अभी उनकी हालत को, उनके इकोनॉमिकल कंडीशन को और समाज में उनको इज्जत दिलाने के लिए मौजूदा सरकार यानी बीजेपी की सरकार पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई है। और हमारे सरकार की ये पूरी कोशिश है कि रिफ्यूजी समाज को हर तरह की सुविधा दिया जाए, उनको कभी भी इस बात का एहसास नहीं हो कि हिंदुस्तान उनका अपना कंट्री नहीं है। हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, हर तरह से उनकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है। मैं 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक श्रीनगर में रहूँगा। रिफ्यूजी समाज के लोग अगर इस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो वहाँ के शहनशाह पैलेस होटल में मिल सकते हैं। और मेरा नंबर चैनल के पास है, चैनल के माध्यम से वो हमसे मिल सकते हैं। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीडी न्यूज़ 24x7।